अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खरे अच्छे होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, और कौशल भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब होता है सब्सक्राइब वहीं, हाँ जितना हो सके मज़ीद जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर लें। तो चलिए करते हैं व्लॉग का स्टार्ट, हमारे साथ रहें। तो जी सबसे पहले हम पहुंच गए भाभी नसीबा के पास। ये जो है रोटी बना रही है, आज तो हमें बताया भी नहीं और ऐसे रोटी स्टार्ट कर दी। हाँ मैं आपको बताती तो कौशल मुझे बनाने देती। हाँ यही इसलिए तो पूछा, कौशल बना देती आपकी हेल्प हो जाती। नहीं इसी वजह से मैं कौशल को बताया भी नहीं है और मैं आके खाना बनाना शुरू कर दिया। चले माशाल्लाह आप तो बन चुका है, जो कितना पड़ा है अभी? बस थोड़ा सा पड़ा बस, फिर कौशल को बुलाता हूँ, अभी तो ज़्यादा है। नहीं अभी नहीं ज़्यादा, मैं अभी बना लूँगी। आप जो है ना वो ऐसा करें, हाथ मुँह धो के, चाय बनी हुई है तो आप चाय का नाश्ता कर लें, मैं रोटी बना लूँ। नहीं आपकी तो खिदमत का मौका, हमें तो खिदमत का मौका दें आप ना अभी बैठ जाया करें चार पाई पे। अच्छा। सब कुछ हम करेंगे कौशल और मैं। आप तो ऐसे ही सुबह सुबह उठ के शुरू हो जाते हैं, हमें बोल दिया करें, हम सारा काम आपको रेडी करते हैं। मैं भी कौशल की तरह हूँ, मैं जब बैठ जाती हूँ ना तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं चलती फिरती हूँ, काम वगैरह करती हूँ तो ब्लड प्रेशर जो है वो लेवल पर आ जाता है। जब मुझे बिठा दोगे चार पाई पे तो मैं चार पाई पे बिल्कुल लेट जाऊंगी। चलो ये तो मसला है फिर। हाँ। चलो आधा आधा कर लिया करें, आधा कौशल और आधा। हाँ ठीक है, मिलजुल के कर लेंगे, अभी रेस्ट करने दो कौशल को, अभी जाके आपने नाश्ता करना है, नाश्ता करो, चाय ठंडी हो रही है। नहीं कौशल जो है इधर आई हुई है, ये देखिए वो आपके हेल्प करने आ गई है। कौशल आप ना वो आटा बचा हुआ है ये दो तीन हाथ मरवा लें, जैसे बोलते हैं जल्दी जल्दी। हाँ ये बनवा लें फिर हम नाश्ता करेंगे। ओके रोटी तो बनवा के आ गई कौशल, अब चाय गर्म कर रही है हमारे नाश्ते के लिए। आपको तो पता है बहन भाइयों हमारा और यहाँ कोई रीज़न ही नहीं होता, आप तो बोलते हैं हम ये सारा दिन खाने पीने में लगे रहते हैं, तो और आप ही बता दें हम कौन सा व्लॉग मतलब के बनाएँ, किस चीज़ का बनाएँ, हमारा तो यहाँ खाने वगैरह का ही काम है, तो हम यही करके अभी दिखा सकते हैं। और जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे ना तो हम बहन भाइयों को सारा काम करके दिखाएंगे। अभी जो है हमारा रीज़न कोई नहीं है यहाँ खाने पीने के अलावा, तो मज़ीद भी कोई काम आ जाता है तो वो बहन भाइयों को दिखा देते। लेकिन बोलना, हाँ ये देखें चाय गर्म कर रही है, चूल्हे में आग भी जल गई, जल रही है। और पापे अंदर, और पापे भी ले आना कौशल ये चाय गर्म करके ना, वो असगर मुखलिस साहब बलोच वो भी मांग रहे हैं चाय, और उनको भी नाश्ता देना और हमारा भी ले आना। तो बहन भाइयों आपने मतलब के अभी एक दो दिन जब तक हम यहाँ हैं आपने कन्वेंस करना है हमें, हम इस चीज़ के अलावा और कोई काम नहीं होता हमारे पास, तो हमसे जो व्लॉग बन सकता है हम बना देते हैं, फिलहाल मजबूरी है। और हमारा यहाँ एक दो दिन का काम है मुसलसल, कोई पता नहीं आज भी रवानगी हो जाए या कल हो जाए, इसका तो कोई पता नहीं, और जब जाना होगा फिर आपको बता के जाएंगे। आज की तैयारी बनी तो आज भी बता देंगे, और आपने ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर करना है। चलें जी असगर मुखलिस साहब का नाश्ता जो है कौशल देने जा रहे हैं ना, असगर मुखलिस साहब का ना, चलो आ जाओ, दो कौशल दो असगर मुखलिस साहब बलोच साहब को। मेहरबानी मेहरबानी, इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हो बेटा? नहीं तकलीफ़ की कौन सी बात है, आप हमारे इतनी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, हमारा हक तो बनता है आपको ये रेडी करके देना खिलाना। मेहमान नवाजी कर रहे हैं? हाँ जी हम इतने दिन से यहाँ, जब अपना कोई फर्क है क्या? नहीं नहीं फर्क तो नहीं है वैसे, नहीं 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 कोई फर्क नहीं। अच्छा आप हमारे माँ बाप की तरह हैं, हम आपकी औलाद की तरह हैं। आप अंदा मेहमान नवाजी नहीं बोला, आप खा लेते पी लेते हैं, नो टेंशन। आइए जी असलम खान साहब, उसने सच्ची बात की है ना, आपने करना है नाश्ता, चाय पापे का नाश्ता करना है आपने? नहीं यार मैं चाय पापे का नाश्ता नहीं करता। अच्छा तो आपने अपने घर से खाना है? हाँ मैं रोटी खाऊंगा अभी। चलें जी आप एंजॉय करें असगर साहब, मैं और कर रहा हूं एंजॉय। और किसी चीज की जरूरत हो तो बच गए हो, थोड़ा सा बच गए हो कि तुमने अपना जो है
कॉन्फिडेंट, कायम रखा, बरकरार रखा और जो है हाजिर जवाबी की वजह से, हाजिर दिमागी की वजह से बच गया। हमेशा बचते रहेंगे ऐसे। टोट प्रोटेक्ट कर देना थे तो मदई बात। ओह अल्लाह, मतलब अंदा गलती करने से पहले सोच लेना चाहिए। गुंजाइश नहीं है जी, गलती की गुंजाइश आपको नहीं है। ओके जी, अंदा गलती का मौका भी नहीं देंगे आपको। नहीं, अभी कितने दिन रहना है तुम्हें? निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो? जी बस आज मुकम्मल करना है, आज चैनल रेडी करना है मुकम्मल। जब आप इजाज़त देंगे हम चले जाएंगे। मैं खुद कह रहा हूँ निकलो यहाँ से, अभी आज जाना है, आज जाना है तो आज हमको बता दे, आज जाएं। ठीक है, हम तैयारी करते हैं, फिर बहन भाइयों को बता देते हैं कि आज हम जा रहे हैं। गेट दिखा दूं, देखा हुआ नहीं, वो रहा गेट से गुजर के निकलो। हाँ, हम गेट से ही जाएंगे और अपने पाँव पर चल कर जाएंगे। आप छोड़ने भी मत आना, इतनी तकलीफ ना। कौन कह रहा है मैं छोड़ने जाऊंगा? वैसे भी जाना है, पैरों पर जाना है। हाँ जी, हम पैदल भी चले जाएंगे। हाँ जी, ठीक है जी, माशाल्लाह आपने इजाज़त दे दी, अभी हम रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं घर। ठीक है, रेडी नहीं होना। हाँ ऐसे ही निकलें, बस सामान उठाएं निकलें। आप थक चुके हैं अब हमसे? नहीं, थक नहीं चुके हैं। हाँ, हम थक के तो बहुत थक चुके हैं। चले लोग हैं ना, ये तो नहीं, मैं क्यों कहता तो चले वाला तो नहीं है। अल्लाह की रहमत होता है, मेहमान रहे हैं हमारे साथ, रहो पूरी जिंदगी, नो टेंशन जी। बस हमारा एक दो दिन का काम है, आपको तो पता है। बच्चे हैं, आपके चैनल का फ्रेंडली हो गया है। आपके चैनल का हो गया फ्रेंडली। हाँ जी, तो आज रात अप्लाई करते हैं इंशाल्लाह के लिए, ठीक है ना? इंशाल्लाह जरूर। वैसे पहले मजाक कर रहा था मैं जी, मजाक तो बहुत अच्छा करते हैं। महसूस नहीं करना, मुझे तो डरा ही दिया। मैंने कहा भी जाना पड़ेगा बोरिया बिस्तरा बांध के। चले आप, तू है ही डरू, तू कौन सा तू? नहीं, बहुत बड़ा वो शराफत इज्जत देना वो जरूरी है बड़ों के लिए। मेरा एक जैसे झटका आता है तो मैं झटका वोल्टेज 11,000 का लगता है। हाँ जी, मुझे भी लगा है, अभी लगा है ना जी, देख लो। चलो, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना, आप रास्ता करें। होगी तो बता दूंगा जनाब, बता दूंगा, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा। चलो ओके जी, ये जी हमारा नाश्ता भी आ गया, चाय पापे और ये कौशल की चूड़ियाँ। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। कौशल बहन भाइयों को भी सुना मारो, हम तो नाश्ता करें अगर जिस भाई भाई खाना के मेरे साथ खा सकते हैं। ओके जी, हमारा तो रोज़ की रूटीन है ये चाय पापे। अगर किसी को बुरा लगता है हमारा चाय पापा है खाना तो वो भी बता सकता है, और जिस बहन भाई ने खाना है वो भी आके खा सकता है, और जिस बहन भाई ने नहीं भी खाना है वो अपने घर में भी बना सकता है। ये देखें जी, इस्लामुद्दीन जो है हैदर को भी उठा कर ले आया। कौसर इसका मुंह इधर करो, वो चाय ढोलेगा। इसको ऐसे ऐसे सीधा करो, इधर 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 सामने। ओए हैदर, ओए ओए हैदर, ओए ओए गलेदर की वेख रहे, इधर 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 वेख, ओए इधर। आज तो देखता भी नहीं यार, हमारी तरफ देखता भी नहीं है, इधर नहीं देखना। चलो पाकिस्तान का नारा ही लगा दो आज, पाकिस्तान का नारा लगा दो। पाकिस्तान बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, बोलो जिंदाबाद। पाकिस्तान नहीं बोलना, चलो आप बोल दो प्यारे बहन भाई, जिंदाबाद बोलो, जिंदाबाद। ये भी नहीं बोलना, अच्छा बाय बाय कर दो ए हैदर, हैदर ओए ओए ओए, बाय बाय कर दे आप, अब बाय बाय कर दे, बाय 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 बाय। ओ वेखो जी, अम्मी को ही देखे जा रहा है। बाय बाय करो बेटा, नहीं करना। चलो फिर ये चाय पापे खाओ, करना है। चलो ये बाय बाय करो अब, ओ तेरी। अच्छा बहन भाइयों फिर मिलते हैं। क्या गाल है, गंदा पे क्या? ये जी बैठे हैं असलम खान साहब, नाश्ता कर रहे हैं। असलम खान साहब, आप सुना है कि जा रहे हैं आज?
नहीं जा रहे, तो फिर मैंने गलत सुना है। चलें जी, मैं तो बस पूछने आया था कि शायद जा रहे होंगे। ओके, वो देखें कहाँ जो है, पता नहीं क्या करा करा कर रहा है, लगता है कोई और मेहमान भी आ रहा है आज। चाय पापे खा लिए, आपका सर सालन गरम कर रही है रात वाला आलू, अब सालन गरम करके फिर रोटी का नाश्ता करते हैं। देखें जी, सालन तो गरम होता रहेगा, अब ये बच्चे जो है ना, इस्लामुद्दीन क्या हो रहा है, बॉल बॉल खेल रहे हो? अच्छा, इधर से पानी डालेंगे और उधर से निकलेगा। हाँ, तो नूरुद्दीन मिट्टी में खेलते हैं आप? वाह जी वाह। ओ देखो जी, आमना बेबी भी बैठी। आमना क्या कर रही हो? खेल रही हो, माशाल्लाह, मिट्टी के साथ खेलती हो। वाह जी वाह। चलो नूरुद्दीन, आपने कोई गाना सुनाना है? काले सूट वाला ही सुना दो, काला जोरापा वही सुना दो आज। काला जोरापा फल में। वाह यार वाह वाह वाह। इस्लामुद्दीन, आपने ना वो नाच सुनानी है, हस्बी रब्बी वाली, वो सुना दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नात है। और आमना बीबी, आपको कोई गाना आता है? नहीं आता? अच्छा, बहन भाइयों को सलाम कर दो, बोलो सलाम अलैकुम। वाह जी वाह वाह जी वाह। अच्छा जी, अब बाय बाय कर दो। बाय बाय। आमना आप भी करो। बाय बाय। नवरुद्दीन आप भी। बाय बाय। चलो आप खेलो। तो जी, ये हमारा नाश्ता, ये रोटी और ये सालन और ये पानी। और इरफान भी बिस्मिल्लाह कर रहा है जी। मैं भी बिस्मिल्लाह वाला बरकत अल्लाह पढ़ने वाला हूँ, तो उसका मतलब है अल्लाह पाक हमारे खाने में बरकत अता फरमाए। जी बिल्कुल। तो अभी जिस बहन भाई ने खाना है वो भी आके हमारे साथ खा सकता है। आप तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जी मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ जी। ये देखिए, बिस्मिल्लाह वाला बरकत अल्लाह। तो सर, आप भी बहन भाइयों को सलाम आर के ना फिर शुरू करें। तो ये देखिए, मैं भी नाश्ता कर रही हूँ, अगर जिस भाई बहन को खाना है आके हमारे साथ खा सकता है। ये मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो जी बहन भाइयों, ये नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया और अभी जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ असगर मुखलिस साहब के साथ बाज़ार। उन्होंने ना ये बोर्ड है ना थोड़े ख़राब हो चुके हैं, अब इलेक्ट्रिशियन के पास जाना है, इनको सेट भी करवाना है, और वहाँ जाके ना आपसे मिलता हूँ। हाँ जी, हम पहुँच गए हैं। यहाँ जो काम था छोटा सा, वो असगर मुखलिस साहब का काम था, वो अभी करते हैं और हमने सब मौजूद है। फिर भी काम नहीं है, जितने भी काम कर रहे हैं हमने करके जाने हैं, जब घर पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, सरप्राइज होगा। हाँ जी, हम इस वक्त खड़े हैं अंदर शुगर मिल, चीनी वाली मिल। ये है जी मिल, हमजा शुगर मिल लेटा भुट्टा, ये अभी चल रही है। अभी फिर घर जाके आपको सरप्राइज देंगे। ये देखें जी, ये देखें क्या कमाल हो रहा है, ये रिक्शे को मोटरसाइकिल खींच के जा रहा है जी। हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर। ये जी, हमने पहुंच गए हैं फ्रूट वाले दुकान पे, कौशिक के लिए ना फ्रूट भी लेने हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वो खुबाने क्या रेट है? खुबाने भाई अस्सी रुपये 300 रुपये किलो है, 270 रुपये लग रहे हैं। 270 रुपये किलो। और पाव कितने का कहा? पाव पाव 80 रुपये पाव है जनाब। तो आप आधा किलो कर दें, आधा किलो, आधा किलो कितने का हो जाएगा? 160 रुपये का, 160 320 20 किलो से 20। चले आप, चलो 150 बन जाए, आधा किलो कर दें। ये आधा किलो खुरमानी हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपने वहाँ पे जाके धो लेना है घर पे, धोने के बाद फ्रिज में रखना है। हाँ जी, थोड़ी देर फिर वहाँ से उठा उठा के खानी है। ओके जनाब, ठीक है जी, शुक्रिया। ओके ओके।
पकड़ो कसर ये खुबानी, इसको ना पहले भिगो के फिर फ्रिज में रख दो, घंटे दो के बाद ना फिर खाएंगे। ये आपकी सेहत के लिए लेके आए हो, आप सारा दिन काम 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 काम, और कोई काम नहीं है आपको? नहीं, सारा दिन काम ही करते हैं आप। हाँ जी। अब इसका सेहत का भी ख्याल करना है आपने। चले और ये पकड़े, ये भाभी नसीबा को पकड़ा दे, ये बोर्ड वगैरह जाना ये सेट करवा के ले आए हम, ये फिर इलेक्ट्रिशियन का काम जो है वो खुद कर लेगा। ठीक है जी, भाभी नसीबा को दो और ये इनको ना भिगो के रख दो फ्रिज में। ओके हो गया जी। मैं ये पानी लेकर जा रही हूँ खुदन के लिए, ये फ्रिज में पानी पड़ा है, तो ये पानी और ये गिलास और इरफान को देती हूँ। शुक्रिया, आपको फिक्र तो है मेरी। हाँ जी, गर्मी बहुत तेज है, गर्मी से आया हो कोई पता है, तुझे भी पता है ना गर्मी से आया, साल से पानी तो पीना है। प्यास बहुत लगी थी, इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ पानी पी सकें। माशाल्लाह आपने पानी वगैरह तो पी लिया, अब जा रहा हूँ अंदर। लगता है कौशर स्त्री लगा रही है दूसरे व्लॉग के लिए। हाँ कौशर स्त्री, दूसरे व्लॉग के लिए? हाँ जी। अच्छा, वो जो मैंने सामान दिया था वो रख दिया फ्रिज में? हाँ, वो फ्रिज में रख दिया। चलें, जब वो ठंडा हो जाएगा फिर खा लेंगे। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज हम बाहर जब गए थे ना तो कसम से आज इतनी गर्मी हुई कि मुझे तो चक्कर भी आ रहे थे। तो इतनी गर्मी है तो हम कैसे जाएंगे घर? वही तो सोच रहा हूँ, जाना तो है लाजमी। देखो अल्लाह करम करेगा, जब हम जाएंगे मौसम साफ हो जाएगा। और अब आज का भी लोग हमारा हो रहा है मुकम्मल, तो सबसे पहले दुआ जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद से नवाजे, और जो इंसान बहुत मुश्किल में है, गुरबत में है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे और हर मुश्किलात को दूर करे और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। और जो हमारे चैनल पर बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह उन सब के नसीब अच्छे करे, और जो बहन भाई वफात पा चुके हैं और जो बच्चे बूढ़े जो भी वफात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके जन्नत अल फिरदौस में जगह बना दे। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनकी रोज़ी में भी बरकत अता फरमाए और घर में भी, उनके घर में बच्चे और बच्चों की परवरिश में भी अच्छी मतलब के परवरिश अल्लाह पाक उनको अता फरमाए, और माशाल्लाह नेक पाक औलाद अता फरमाए हर बहन भाई को। और जो मतलब माजूर हैं हमारी बहनों की तरह, अल्लाह उनकी भी मदद फरमाए कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर चलना सीख लें और अपने मतलब किसी के मोहताज ना हो, वो अपने करके खुद कमा सकें। अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे और सेहत याब ज़िंदगी दे। तो आज का व्लॉग हमारा हो गया मुकम्मल, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, प्यारे बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।